सोमवार को संसद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बीच अग्निवीर योजना को लेकर के जमकर बहस हुई। अग्निवीर योजना को लेकर के राहुल गांधी ने ये बयान दिया था कि अग्निवीरों को के लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि जो अग्निवीरों के लिए पैसा दिया गया है वो पेंशन के लिए रुपया नहीं है दिया गया है, बल्कि ये मात्र इनको इंश्योरेंस का पैसा दिया गया है। इस पर जवाब देते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तुरंत ही कहा कि ये सिर्फ भ्रांति फैलाने की कोशिश की जा रही है और ये झूठ बोल रहे हैं। बाकी क्या कुछ हुआ आप देखिए कि मैंने अग्निवीर की बात उठाई। सब पहले भी डिफेंस मिनिस्टर ने कहा था कि शहीद अग्निवीर परिवारों को कॉम्पनसेशन दिया गया है और उन्होंने कहा, हाउस में कहा कि 1 करोड़ रुपया कॉम्पनसेशन दिया गया है, मगर सर वो गलत था। सर उस शहीद परिवार को इंश्योरेंस दिया गया था, कॉम्पनसेशन नहीं दिया गया था। सर मैं ये कहना चाहता हूं सर ये सच है सर, और सर भाषण के एकदम बाद सर कॉम्पनसेशन गया था सर। नो सर ये सच्चाई है सर, इसको कोई नकार नहीं सकता, ये सच्चाई है सर। सर आखिरी बात सर आपने एक और चक्रव्यूह बना दिया है सर। नो मीडिया वालों को सर आपने पिंजरे में बंद कर दिया सर, उनको बाहर निकाल दीजिए प्लीज। राजनाथ सिंह जी। अध्यक्ष महोदय नेता प्रतिपक्ष ने बजट के संबंधित जो भी भ्रांतियां पैदा की हैं, जब बजट से संबंधित जवाब देने के लिए वित्त मंत्री जी खड़ी होंगी तो उन भ्रांतियों को लेकर जो भी क्लेरिफिकेशन देना है, जो कुछ भी देश को संदेश देना है, वो अपनी तरफ से संदेश देंगी, क्योंकि मैं मानता हूं कि कई भ्रांतियां बजट को लेकर पैदा की गई हैं। लेकिन देश की सीमा की सुरक्षा जिन बहादुर जवानों के हाथों में रहती है, सेना के जवानों में, यह इतना संवेदनशील मुद्दा है इस देश की सुरक्षा का, और सेना से जुड़े हमारे अग्निवीर के जवानों को लेकर जो देशवासियों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, उस संबंध में मैं कहना चाहता हूं जब भी आपका आदेश होगा इस सदन के समक्ष, मैं पूरी तरह से अपना अग्निवीरों को लेकर स्टेटमेंट देने को तैयार हूं।